सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ ना पूरा स्किन केयर प्रोडक्ट जो है फॉक्सटेल का, उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये प्लांट जो कि लेमन का प्लांट है और मैं लेकर के आई थी बिष्टुपुर नर्सरी से, और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, तो आज मैं इसे ना रिपोर्ट करने वाली हूँ, अपने प्लांटर में लगाने वाली हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये एप्सम सॉल्ट है, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके प्लांट के ग्रीनरी को मेनटेन करता है, साथ ही एक फर्टिलाइज़र का काम करता है, इट्सेल्फ लाइक अ फर्टिलाइज़र। और अगर आप कोई नया प्लांट मार्केट से ला रहे हो और आपकी गार्डनिंग में आपको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हो और आपके प्लांट जो है नए ग्रो नहीं कर पाते हैं, नए पॉट में जब लगाते हो ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है, तो उस टाइम अगर आप एप्सम सॉल्ट डालते हो ना तो नए पॉट में, नए प्लेस में जो है नया प्लांट जो है ना एडजस्ट कर जाता है, सेट हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे इसमें भी ऐड कर रही हूँ और बाकी सारे प्लांट्स में भी जो है ना एप्सम सॉल्ट डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने इस बड़े से गमले में इस प्लांट को लगा दिया, आई होप कि ये चल जाए गार्डनिंग में। तो मेरी आजकल ज़्यादा जो है ना टाइम मैं दे नहीं पा रही हूँ, तो मेरी अच्छी से चल नहीं रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये लौकी का प्लांट जो मैं लगाई थी ना, पूरे सूख रहे हैं। और मैं ना लास्ट टाइम इसमें जो भी हल्दी वगैरह डाली थी उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट अटैक हो गए हैं, छोटे छोटे से। हालांकि लौकी बन रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट जो है ना ये बिल्कुल बर्बाद किए हुए पूरे प्लांट्स को। और इसके बाद यहाँ पर ना हमारे घर मेरे भाई के फ्रेंड के घर से ना ये लड्डू आया था, बेसिकली छोटे बेबी के आने की खुशी में, और उनके यहाँ बेबी हुई थी तो हमारे यहाँ लड्डू आया। और ये इतनी क्यूट सी इसकी पैकेजिंग थी ना, और बहुत ही प्यारा सा पैकेजिंग भी था और देखने में भी था। गंगूर का ये लड्डू है, इसकी साइज़ भी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी, और देखने में जितना अच्छा है ना उतना ही ज़्यादा डिलीशियस था। तो इसमें से ये, और इतना बड़ा था ना कि इसमें से हम सारे लोग थोड़ा 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 करके खा सकते थे और खाए भी थे, और ड्राई फ्रूट्स भी एकदम अच्छे से था। अब यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि फॉक्सटेल का है। अपने पैसे से मैं ली हूँ, कुछ भी इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं ना मॉल से, पीएनएम मॉल से जब शॉपिंग की थी ना, तब मैंने इसमें का सीरम और टोनर लिया था। इसका जो टोनर है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये मल्टीविटामिन रोज़ वाटर भी है, टोनर और फेस मिस्ट जो है ना दोनों का काम करता है। इसमें नियासिनमाइड है, रोज़ वाटर, रोज़ एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है। ये स्किन को हाइड्रेट और ब्राइटन करने का क्लेम करता है। 100 ml क्वान्टिटी है, दिस इज़ गुड फॉर द ऑल स्किन, जैसा ये क्लेम करता है ऐसा है भी। और टू ईयर्स जो है ना इसकी शेल्फ लाइफ है। प्राइस इसकी 199, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ है। इसका मुझे जो है ना बॉटल बड़ा अच्छा लगा, डबल कैप है, और इसके स्प्रे का सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना होल्स इतने माइनर है ना कि आपके स्किन को बहुत स्मूथली ये ना स्प्रे करने पे फील होता है, बहुत सूथनेस टाइप का फील होता है, हल्का स्किन ग्लोइंग हो जाता है और काफ़ी हाइड्रेटिंग है। ये कामा का रोज़ वाटर जैसा मुझे लगता है, अगर आप वो यूज़ किए ना तो आपको ये बिल्कुल सिमिलर लगेगा। इसके बाद ये फॉक्सटेल का ही सीरम है, ये सैटिन मैट सीरम है, नियासिनमाइड सीरम है, इसमें 5% नियासिनमाइड है और ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट भी है। लिखा हुआ है कि ऑल स्किन टाइप है, 30 ml इसकी जो है क्वांटिटी है। प्राइस इसका जो है 545 है, बट अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे ये लगता है दिस इज़ ओनली गुड फॉर द ऑयली स्किन, जिसकी सुपर ऑयली, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयली या एक्ने वाली स्किन है ना, उसके लिए ये अच्छा है। क्योंकि इसका टेक्सचर जो है ना बहुत कम मॉइस्चराइजिंग वाला, मुझे बहुत कम हाइड्रेशन वाला लगता है, लेकिन हाँ स्किन में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। इसका ये जो है ना कैप मुझे उतना पसंद नहीं आया, हालांकि इस ये प्रोटेक्ट तो करता है इस क्रीम को, लेकिन ना ये मुझसे बार बार गिर जाता है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, टेक्सचर अच्छा है, लेकिन स्किन में ना 2 से 3, मतलब मुझे मैक्सिमम 5 सेकेंड में ना आपकी स्किन को पूरा मैट कर देता है। तो अगर आपकी स्किन थोड़ी भी ड्राई नॉर्मल उस टाइप की है ना, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा, अगर आप मैट फिनिशिंग सीरम खोज रहे हो तो दिस इज़ गुड। ये हल्का सा स्किन को ग्लोइंग भी करता है, लेकिन मुझे ब्राइटनिंग इससे बिल्कुल भी नहीं फील हुई है। अगर आपको लगे चाह रहे हो कि कोई ब्राइटनेस वाला फेयरनेस वाला सीरम, तो वैसा रिज़ल्ट ये बिल्कुल नहीं देगा। और फिर इसे अच्छे से आपको ना रखना होता है पैक करके, क्योंकि इसका जो है ना कैप बहुत बेकार मुझे लगा। हालांकि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत लाइट वेट इसका जो है ना बॉटल है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसका ओवरनाइट ग्लो मास्क। ये जो है ना इसमें AHA, PHA और प्रो विटामिन B5 है।
ये आपकी स्किन को इवन टोन करेगा और टेक्सचर बहुत अच्छा करेगा, ऐसा इसका क्लेम है। 30 ml इसकी भी क्वांटिटी है। प्राइस अगर इसकी बोलूँ तो 595 rupees है। सेम पैकेजिंग, कैप भी सेम है, जो कि मुझे नहीं पसंद है, पंप में आता है। आप इतना सा भी लोगे ना तो पूरे फेस पे आपका ईजली जो है ना ये ब्लेंड हो जाता है। मुझे इसका टेक्सचर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपके पूरे फेस और नेक को कवर कर देती है और स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है ये। बल्कि ऑयली स्किन वालों के लिए मुझे लगता है कि उतना अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन ऑयली स्किन के अलावा हर स्किन टाइप पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा और स्किन को बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मूथ बना देता है, ब्राइट बहुत ज़्यादा नहीं करता है। और ये सारे प्रोडक्ट जो है ना वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस इसमें है, मतलब कि पीएच जो है 4.5 से लेके 5 तक जो है इसमें है। तो स्किन के लिए ये काफ़ी सेफ प्रोडक्ट्स हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। मुझे सिर्फ इसका सीरम छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स अब तक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जहाँ तक रीपर्चेस की बात है तो मैं कुछ और ट्राई करूँगी, कि मुझे बहुत ज़्यादा वाव टाइप का रिज़ल्ट नहीं लगा है और प्राइस भी कोई ऐसी ख़ास कम नहीं है, प्राइस भी अच्छी खासी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना मेरे पास वो है इसका सनस्क्रीन, जो कि मेरे ख्याल से ड्राई स्किन वालों के लिए है, क्योंकि ये गोल्डन आर ग्लो सनस्क्रीन है। 50 जो है इसका SPF है, PA++++ है, और ये टैन को प्रिवेंट करके आपकी स्किन को ना आपकी स्किन के ग्लो को बूस्ट करता है, ऐसा इसका क्लेम है। विटामिन सी इसमें भी है और नियासिनामाइड भी है। दिस इज़ गुड फॉर द ऑल स्किन टाइप। 50 ml इसकी क्वांटिटी है और प्राइस इसकी जो है ना 349 है। तो मुझे प्राइस इसकी ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी सही लगी। बाकी आप दूसरे ब्रांड्स का देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्राइसी रहता है। इसके साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं, इन्हें आप पॉज करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को अभी आपके सामने ही अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी और ये सारे ट्रैवल फ्रेंडली जो है ना इन सब की पैकेजिंग है, और साथ ही साथ ना इसमें सारा डिटेल मेंशन है। सारे प्रोडक्ट का जो शेल्फ़ लाइफ है वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसके ट्यूब को खोल करके आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्स्चर कि कैसा है। जाहिर सी बात है कि सेफ तो है ही, और जब मैं इस सारी चीज़ों को शूट की थी ना उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ट्रस्ट मी मैं इसे अभी लगा रही हूँ, इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्किन को हल्का सा ग्लोई भी बनाता है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं करता है स्किन पे, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और मुझे तो ओवरऑल इसका सनस्क्रीन बहुत अच्छा लगा। आपको भी मेरी स्किन थोड़ी डार्क लग रही होगी क्योंकि ना यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू है और मैं कोई फिल्टर यूज़ नहीं की हूँ। जो मेरे स्किन वाले केयर वाले या प्रोडक्ट्स रिव्यू वाले वीडियोस देखते हैं ना उन्हें पता है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे जो जैसा है एज इट इज़ बता देती हूँ। तो कोई भी फिल्टर या ब्राइटनेस आप एक्स्ट्रा से नहीं देखोगे। हाँ, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, स्किन को काफ़ी ग्लोइंग और स्मूथनेस जो है ना ये प्रोवाइड करता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।